उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में डीएम ऑफिस के गेट पर आज एक पीड़िता भगवाधारी साध्वी के सब्र का बांध उस समय टूट गया जब डीएम ऑफिस में किसी बात को लेकर डीएम और साध्वी के बीच नोकझोंक हो गई, जिसके बाद पीड़ित साध्वी रोते रोते बिलखती हुई बाहर आई और अपना पक्ष रखते हुए बेहोश होकर गेट के ठीक सामने जमीन पर गिर गई। बस फिर क्या था, उसके साथ आए हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट गया और डीएम के खिलाफ नारे बाजी होने लगी, जिसे वहां मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों के होश उड़ गए। यही घटनाक्रम एक घंटे तक वहां देखा गया। दिसंबर 17 में एक ग्राम प्रधान द्वारा साध्वी के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया था और सफल न होने पर इस साध्वी के साथ उसने जबरदस्त मारपीट की थी, जिसके बाद से साध्वी न्याय के लिए भटक रही थी। वो आज कुछ हिंदू संगठनों के साथ एक जुलूस की शक्ल में डीएम को एक ज्ञापन देने पहुंची, जहाँ पर जमकर हंगामा हुआ है। मैं बता रही हूँ, मुझसे प्रधान कहता रहा तुम गवर्न करो, एमडीएम में मुझे गाड़ी दिलवाओ, मुझ पे बुरी नजर रखता है। मैंने मना कर दिया कि मैं गवर्न नहीं करूंगी, मैं फर्जी बच्चे नहीं लिखूंगी। उसकी सजा मुझे यही मिली, 21 दिसंबर को उसने मेरे साथ यौन शोषण किया, मुझे मारा पीटा, मेडिकल हुआ, सब कुछ हुआ। ये सारा प्रशासन मिलकर उसको बचा रहा है। मेरे 164 के बयान है, मेडिकल है, सारे गवाह है, सारे एविडेंस है। आयो की शर्मा ने भी ये स्वीकार करा कि मैंने एसएसपी के कहने से जांच में उसे नहीं पकड़ा। उसके बाद भी ये लोग उसको बचा रहे हैं और गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। 14 मई को उसने फिर मेरे पे हमला करा, मेरे जान में चाकू घुसा, मुझसे बहुत बदतमीजी करी। कल रात भर में थाने में बैठी रही, 8-9 बजे तक मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी गई, मेरी पूरी जिंदगी की इज्जत खत्म कर दी। मुझे स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया जानबूझ के कि मैं वहाँ से हट जाऊँ। आज आप कहाँ थी और क्या हुआ? मैं डीएम साहब से मिलने आई थी और मेरे को न्याय दिलाने के लिए, और ऊपर से मुझे बदतमीजी बोल रहे हैं कि 17 महीने भी हो जाएंगे मैं गिरफ्तार नहीं करूंगा, तुम लोग तो नौटंकी कर रहे हो। कौन बदतमीजी? जिलाधिकारी। अब क्या मांगा आपकी? क्या मैंने मांगा है कि मेरा उसी स्कूल में बहाली करी जाए, इंतजार हुसैन को गिरफ्तार किया जाए, मुझे सुरक्षा दी जाए, मैंने ये मांगे करी है। और उसके बदले ये मुझे डांट के भगा रहे हैं वहाँ से, और ये बोल रहे हैं कि तुम्हें महिलाओं को नौटंकी करने की आदत है, साथ उस महिलाओं को, और तुम नौटंकी बाजो, पहले नौटंकी कर लो, बाद में मेरे पास आना, जाओ मैं नहीं कुछ करूंगा। सीधी सी एक बात है, ये जो जिला पुलिस प्रशासन है ये पूरे तरीके से लगा हुआ है केंद्र में जो हिंदूवादी और राज्य में हिंदूवादी सरकार है, बीजेपी सरकार उसको फेल करने के लिए लगा हुआ है। मुस्लिम तुष्टिकरण किया जा रहा है, 7 महीने होगा साध्वी जी को न्याय मांगते हुए, और इन्हीं के इंक्वायरी ऑफिसर जो इन्होंने इंक्वायरी के लिए नियुक्त किए थे, जो विवेचना के लिए नियुक्त किए थे, भगवाधारी मुख्यमंत्री है प्रदेश में, आप भी भगवाधारी साध्वी है, कार्रवाई। उसीलिए मेरे को इतना प्रताड़ित किया जाता, मुझे योगी मुर्दाबाद सारे लोग मेरे से बदतमीजी करते हैं। जिस देश के प्रधानमंत्री कहते हैं के नारी तू नारायणी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, सुनते होंगे ये। और औरतें, इसलिए मैंने भी एक बार आत्महत्या की, मुझे बचा लिया गया, मैं मर जाती तो अच्छा था, अब भी जिंदा नहीं रहा। कहाँ बैठी हैं अब आप? मैं जिला अधिकारी कार्यालय के सामने बैठी। क्या मांग है आपकी, कब बैठेंगे? मैं उस इंतजार की गिरफ्तारी की जाए, मेरी ये मांग है, उस पर 376 की धारा लगाई जाए।